हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपके अमेज़न पे में पैसा फंसा हुआ है और आप उसे बैंक में विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अमेज़न पे टू बैंक की काफ़ी सारे ट्रिक एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप अपने अमेज़न पे बैलेंस को बड़ी आसानी से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, वो भी मिनिमम चार्ज पे। जी हाँ, मिनिमम चार्ज, क्योंकि फ्री की ट्रिक अभी मार्केट में कुछ भी नहीं है। मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली है, ऐसी कोई ट्रिक अभी नहीं है जिसके थ्रू आप अमेज़न पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में बिल्कुल फ्री में ले सकें। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। उस ट्रिक में मिनिमम चार्जेस लगेंगे, लेकिन आपके अमेज़न पे का बैलेंस बड़ी आसानी से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी ऐसी काम की वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे कई सारे अमेज़न पे अकाउंट में काफ़ी सारा अमेज़न पे बैलेंस पड़ा है। एक्चुअली मई के शुरुआत में अमेज़न पे एक बग चल रहा था जहाँ पे अगर आप 500 रुपये का अमेज़न का गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं तो आपको 10% यानी 50 रुपये का अमेज़न पे बैलेंस मिलता है। 1000 रुपये का अमेज़न पे गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं तो 100 रुपये का अमेज़न पे बैलेंस फ्री में मिलता है। 2000 रुपये का अमेज़न का गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं तो 200 रुपये का अमेज़न पे बैलेंस मिलता है। तो इस तरह से मैंने करीब करीब 20,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया, यानी कि 2000 रुपये मुझे अमेज़न पे बैलेंस में फ्री के मिल गए। लेकिन ये जो 20 से 22,000 रुपये जो मेरे अमेज़न पे बैलेंस में फंस गए हैं, अब मैं उसे किसी तरह से निकाल नहीं पा रहा। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद आज मुझे एक ट्रिक मिली है। तो इस ट्रिक को यूज़ करके मैंने अपने थोड़े बहुत अमेज़न पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो दोस्तों, अमेज़न पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक पेटीएम का फास्टैग होना चाहिए। पेटीएम फास्टैग आपको लेना बहुत ज़रूरी है। पेटीएम फास्टैग एक बहुत ही काम की चीज़ है। इसके थ्रू आपको काफ़ी सारे ऑफर्स का फ़ायदा मिल जाता है और आप कई तरह से अपने कई सारे वॉलेट के बैलेंसेस को पेटीएम फास्टैग के थ्रू बड़ी आसानी से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि पेटीएम फास्टैग में जब भी आप रिचार्ज करते हैं तो वो बैलेंस पेटीएम फास्टैग में ना जाके आपके पेटीएम वॉलेट में जाता है। और अगर आपका फुल KYC पेटीएम वॉलेट है तो जस्ट 1 क्लिक पर आप अपने बैंक अकाउंट में पेटीएम वॉलेट के पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो आपको पेटीएम फास्टैग बनाना बहुत ज़रूरी है। बजाज फिनसर पर भी कई सारे ऑफर्स आते रहते हैं जहाँ पे आप पेटीएम फास्टैग के थ्रू रिचार्ज करेंगे तो आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। तो आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पेटीएम फास्टैग के लिंक पे क्लिक करके अपना पेटीएम फास्टैग बना लीजिए। आपके पास कार या बाइक की एक RC होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पास कार ही होनी चाहिए, अगर आपके पास बाइक भी है तो बाइक की RC से भी आप पेटीएम फास्टैग बना सकते हैं। 1 टाइम चार्ज लगेगा आपको 350 रुपये, लेकिन लाइफ टाइम आपका ये फास्टैग वैलिड रहेगा और लाइफ टाइम आप इससे 1000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको पेटीएम फास्टैग लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पेटीएम फास्टैग है तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास पेटीएम फास्टैग नहीं है तो वीडियो को पूरा देखने के बाद लिंक पे जाइए, पेटीएम फास्टैग अप्लाई कीजिए और विद इन 24 आवर्स आपको पेटीएम फास्टैग मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं मान लेता हूँ आपके पास पेटीएम फास्टैग है, तो आज हम जिस ट्रिक को यूज़ करेंगे उसका नाम है justdial.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने justdial.com की लिंक दी है, आप उस लिंक पे क्लिक करके justdial.com पे आ जाएंगे। justdial.com की होम स्क्रीन आपको इस तरह की दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एकदम बॉटम में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे justdial होम, शॉपिंग, स्टॉक्स और पे। आपको पे पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपने justdial अकाउंट में लॉगिन करना है। अगर आपका justdial अकाउंट नहीं भी है तो आपको यहाँ पे जस्ट आपका नाम डालना है और जिस मोबाइल नंबर से आप justdial का अकाउंट बनाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेवल्स, बिल्स एंड रिचार्ज। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं फास्टैग का, लेकिन यहाँ पे आपको फास्टैग पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप यहाँ से फास्टैग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अमेज़न पे से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ से आप केवल UPI के थ्रू फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। तो आपको वापस बैक आ जाना है। आप यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखिए, लोन रीपेमेंट। आपको लोन रीपेमेंट पे क्लिक करना है। लोन रीपेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्स एंड रिचार्ज, केबल TV, फास्टैग, लोन रीपेमेंट। तो जस्ट लोन रीपेमेंट के पहले आपको फास्टैग का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको फास्टैग पे क्लिक करना है। फास्टैग पे क्लिक करने के बाद आपको ऑपरेटर में पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ ऑपरेटर पे क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो जैसे ही आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्च करेंगे आपको यहाँ दिखाई देगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक फास्टैग।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक फास्टैग को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी फास्टैग का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैंने अपना फास्टैग का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते यहाँ देखिए डिफॉल्ट 100 रुपीज दिखा रहा है। अब आप चाहें तो 500, 1000 जितना भी अमाउंट आपके अमेजोन पे बैलेंस में है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 500 रुपये एंटर कर देता हूँ। 500 रुपये एंटर करने के बाद चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब इस पेज में आपको टोटल समरी दिखाई देगी, जहाँ पे ऊपर है एड डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। यहाँ पे आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो अमेजोन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करना है। तो आपको इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते नीचे देखिए वॉलेट का ऑप्शन है। वॉलेट में आप कई सारे वॉलेट्स देख सकते हैं, जैसे कि मोबीक्विक, पेटीएम पोस्टपेड, अमेजोन पे, पेजैप, एयरटेल मनी। तो आप यहाँ देख सकते हैं अमेजोन पे का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब आपको अमेजोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए मैं 500 रुपये का फास्टैग रिचार्ज कर रहा हूँ और 8.25 रुपये मुझे चार्जेस लग रहे हैं, जो कि होते हैं 1.65%। दोस्तों जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आपको थोड़े बहुत चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्री में अमेजोन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने की अभी कोई भी ट्रिक लाइव नहीं है। ऐसी अगर कोई ट्रिक आती है फ्यूचर में तो मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा, लेकिन फिलहाल ये मिनिमम फीस दे के हम अपने अमेजोन पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड परचेज करेंगे तो वहां पे आपको 7-8% इवन 9% तक का चार्ज लग जाएगा। गोल्ड के थ्रू अमेजोन पे बैलेंस को बैंक में लेने की ट्रिक मैंने पहले बताई थी, लेकिन वहां पे 8% से ज्यादा का चार्ज लग रहा है, तो वो ट्रिक फिजिबल नहीं है, आपका काफी नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें केवल 1.65% का चार्ज लग रहा है, जो कि हम बियर कर सकते हैं। तो अगर आपके अमेजोन पे बैलेंस में 500 रुपए ही पड़े हुए हैं तो आप 1.65% चार्जेस काट के उतना ही पेमेंट यहाँ से इनिशिएट करें, ताकि आपके अमेजोन पे बैलेंस में जो बैलेंस है उससे आप ये 1.65% की फी का चार्ज पे कर सकें। तो दोस्तों इसके बाद हमें पे सिक्योरली पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हम अमेजोन पे पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पे आपके जिस भी अमेजोन पे अकाउंट में बैलेंस पड़ा है आपको उस अकाउंट का ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। जैसे देखिए मैंने लॉगिन कर लिया, अभी देखिए मेरे अमेजोन पे बैलेंस में 4000 रुपए से ज्यादा का अमेजोन पे बैलेंस दिखा रहा है, जिसमें से 508.25 रुपए मेरे अमेजोन पे बैलेंस से कट जाएंगे। तो चलिए पे कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने पे किया मेरे अमेजोन पे बैलेंस से 508.25 रुपए कट गए और मेरा फास्टैग रिचार्ज हो गया। और ये जो फास्टैग रिचार्ज हुआ है ये मेरे पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर हो गया। चलिए अब मैं आपको अपना पेटीएम वॉलेट दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पेटीएम वॉलेट में 500 रुपए आ चुके हैं। अब इन 500 रुपए को बड़ी आसानी से बिना कोई चार्ज दिए मैं अपने बैंक अकाउंट में बिना किसी चार्ज के ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप जस्ट डायल को यूज करके अपने पेटीएम फास्टैग के थ्रू अपने अमेजोन पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में बड़ी आसानी से ले सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी।